जय हिंद दोस्तों, आज हम जानेंगे जोमेटो से जुड़ी कुछ ऐसी बातों का जो हाल फिलहाल खबरों में है। इकोनॉमिक्स टाइम के अकॉर्डिंग जोमेटो 346 करोड़ रुपीस का नुकसान बियर करी। सेम एज आप देख रहे होंगे इंडियन टुडे ने भी कहा है कि इन रिपोर्ट लॉसेस ऑफ ₹346 करोड़, जबकि इनके रेवेन्यू में कमी नहीं है। रेवेन्यू इनका 75% में इंक्रीज हुआ है। इसका इनके पहले रेवेन्यू था 1192 करोड़ रुपीज से, इनका रेवेन्यू 1952 करोड़ रुपीज इंक्रीज हुआ है, मतलब 75% इनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। उसके बाद भी एक्सपेंडिचर में इनका इतनी ज्यादा हाई इंक्रीमेंट हुआ है, जिसके कारण कहीं ना कहीं इनका रेवेन्यू लॉस हुआ है, मतलब इनका टोटल जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं लॉस में गई है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें आज ये जानेंगे कि जोमेटो का एक हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे, साथ में इनके क्या रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, क्या एक्सपेंडिचर है, क्या इनका बिजनेस मॉडल है और किस तरीके से ये अपने आप को लॉस बियर कर रहे हैं। लॉस बियर करने के बाद क्या सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम पे बात करने से कुछ नहीं होता, सोल्यूशन की तरफ हमें सोचना होता है। तो हम कहेंगे सोल्यूशन पे भी इसके डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक आपको पूरा जोमेटो से रिलेटेड सारी केस के बारे में आपको एक जानकारी मिलेगी। जोमेटो की हिस्ट्री जानते हैं तो हिस्ट्री जोमेटो को शुरू करने वाले दो लोग थे, एक दीपेंद्र गोयल और एक पंकज चड्ढा। दीपेंद्र गोयल IIT दिल्ली से ग्रेजुएशन की डिग्री ली है इन्होंने, IIT दिल्ली से ग्रेजुएशन की डिग्री भी ली है, जिसमें इन्होंने कंप्यूटर साइंस से IIT दिल्ली से कंप्यूटर साइंस की डिग्री ली थी, मैथमेटिक्स से डिग्री ली थी। और उसके बाद वहां से डिग्री लेने के बाद इन्होंने बेन एंड कंपनी में एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट की जॉब शुरू की। एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट की जॉब शुरू करने के बाद इन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, जिन्होंने अपना पैसा पे कर रखा है, ऑर्डर के लिए खड़े हैं, उनको भूख लगी है, बट वो कहीं ना कहीं ऑर्डर लेने में दिक्कत हो रही। कुछ ऐसे लोग हैं जो घर पे हैं बट कहीं ना कहीं उनके पास पे कैपेसिटी भी है, वो फूड खाना भी चाहते हैं बट आने जाने के वजह से बाहर ना निकल पाने की वजह से अस्कित के कारण वो ऑर्डर नहीं कर रहे। तो इन्होंने एक फूडी बे नाम की कंपनी लॉन्च की 2008 में इन्होंने फूडी बे नामक एक कंपनी लॉन्च की, जिनको आगे चल के ईबे से क्लैश हो गया। ईबे नाम की कंपनी थी जिससे क्लैश हुआ, तो कंज्यूमर फोरम इंडेक्स में जाने के बाद इन्होंने अपना नाम इससे बदल के फूडी बे से नाम निकल के जोमेटो नाम रख दिया। अब जोमेटो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगी थी। इसके साथ साथ इंडिया में अगर हम फूड इंडस्ट्री का हिस्ट्री जानने की कोशिश करें, फूड इंडस्ट्री की हिस्ट्री जानने की पड़े, तो आपका एक नाम सुना होगा, आपने सुना होगा फूड पांडा। फूड पांडा जो कि 2012 में स्टार्ट हुई थी, इन पांच रॉक बेंजर बेंजामिन बक्शे के रेंट टर्नर क्रिश्चियन मिस्टर एंड गौरव पुल्लिन, ये पांच लोगों ने मिलकर फूड पांडा स्टार्ट की थी। ये भी बहुत बढ़िया कंपनी थी। इसने का ऑर्डर लगभग ये 2 लाख ऑर्डर पर डे पे स्टार्ट हुई थी कंपनी। जब ये कंपनी अपने पीक पे थी तो 2 लाख ऑर्डर पर डे आते थे, 2 लाख ऑर्डर पर डे आते थे और अप्रॉक्स 45 कंट्री में ये कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर चुकी थी 45 कंट्री में। तो फूड पांडा स्टार्ट हुई थी 2012 में, $3 बिलियन से कंपनी को स्टार्ट किया गया था और ये जाते जाते इसकी वर्थ हो गई थी 2100 करोड़ रुपए हो गई थी, जो कि लॉस में आते आते इनकी वैल्यू जो वर्थ बची थी वो सिर्फ 250 करोड़ बची थी, जब ओला ने इनको खरीद लिया। ओला ने खरीदने के बाद इसमें बहुत ज्यादा अपना पैसा लगाया, लेकिन एट लास्ट इनको क्या करना पड़ा, फूड पांडा बंद करना पड़ा। ये तो हिस्ट्री थी इंडिया में फूड इंडस्ट्री की। उसके बाद कहें कि जोमेटो 2008 में आता है, जोमेटो इससे बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुका था, 15 लाख ऑर्डर पर डे, दैट मींस 4000 ऑर्डर पर मिनट आने लगा था। 10,000 से ज्यादा सिटी में है और 25 देशों से ज्यादा कंट्री में। इन्होंने 2021 में अपना आईपीओ भी लॉन्च किया। कोई कंपनी आईपीओ कब लॉन्च करती है, जब उससे बहुत ज्यादा फंड की जरूरत होती है। तो उन्होंने स्टॉक मार्केट में अपने आप को रजिस्टर्ड किया 2021 में और आईपीओ लॉन्च किया, इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ लॉन्च किया, जिसमें इनका आईपीओ स्टार्ट हुआ था ₹76 इन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च किया और करंटली इनका आईपीओ जो इनकी कंपनी की वैल्यू है वो 46 to 48 rupees पर शेयर, मतलब ₹76 से इन्होंने आईपीओ लॉन्च किया था। इन्होंने 4 महीने में ही 220% का रिजल्ट किया, 4 महीने में 220%, मतलब जिसने ₹76 लगाया था उससे कम से कम इन्होंने ₹200 को रिटर्न किए। जिन्होंने 1 लाख लगाया था उसे 2,20,000 दिया, तो 2004 ही मंथ में इन्होंने 220% का रिटर्न दिया। अब इतनी तेज कंपनी ग्रो कर रही थी, सब चीज बढ़िया था, 15 लाख ऑर्डर पर डे आ रहे हैं,
10,000 से ज्यादा सिटी में 25 कंट्रीज ज्यादा आईपीओ लॉन्च करी 76 रुपए पे और 220% का रिटर्न दे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनका मार्केट बहुत ही ज्यादा डाउन जाने लगा, उसके बारे में देखिए। हम पहले क्या करते हैं, इनका बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करते हैं। इनका बिजनेस मॉडल में मेनली तीन लोग हैं। पहला तो है आपका रेस्टोरेंट, एक है आपका रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के साथ साथ एक है आपका कस्टमर, एक है आपका कस्टमर, कस्टमर के साथ एक है डिलीवरी बॉय, एक है डिलीवरी बॉय, एक डिलीवरी बॉय है, और इन सबों को मैनेज करने वाली एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है जिसे हम कहते हैं जोमेटो। जोमेटो क्या करता है, रेस्टोरेंट का खाना ना कस्टमर तक पहुंचाता है बाय द मीडियम ऑफ डिलीवरी बॉय। इन सबको मैनेज करना है काम जोमेटो, और इसी का ये प्रॉफिट लेता है। अब इसको हम समझना क्या, कोई कंपनी लॉस में क्या जाती है। कंपनी में कुछ रेवेन्यू के सोर्स होते हैं, कुछ रेवेन्यू के सोर्स होते हैं, कुछ उस पर एक्सपेंडिचर लगता है, उस चीज को चलाने में कुछ खर्चा लगता है। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से माइनस करने पे अगर ये प्लस में आता है तो कंपनी प्रॉफिट में रहती है, अगर माइनस में आता है, अगर निगेटिव आता है तो कंपनी लॉस में रहती है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कंपनी का रेवेन्यू कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनी लॉस में। हम ये जानने करेंगे कंपनी रेवेन्यू कहां से जुटाती है। तो कंपनी के रेवेन्यू के बारे में जानना चाहे तो पहला है रेस्टोरेंट लिस्टिंग चार्ज। जब भी आप जोमेटो खोलते होंगे तो उसमें जो आपके रेस्टोरेंट आपको दिखते हैं कहीं ना कहीं वो अपने आप को जोमेटो के एप्लीकेशन पे लिस्ट करने का कुछ ना कुछ हाई अमाउंट पे करते हैं। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, जिस रेस्टोरेंट को अपना ये जो रेवेन्यू का सोर्स है ये अप्रॉक्स सबसे मेजर सोर्स है, जो 10-15% जोमेटो के रेवेन्यू में अपने डायरेक्ट काउंट देता है। एडवर्टाइजमेंट, जब किसी रेस्टोरेंट को अपना एडवर्टाइजमेंट करवाना रहता है या जैसे रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा लिस्टअप हो जाते हैं, 25-30 लिस्टअप हो जाते हैं, तो अपने आप को टॉप पे आना, क्योंकि कोई जोमेटो जब खोलता है या आप भी खोलते होंगे तो पहला रेस्टोरेंट देखते होंगे, दूसरा रेस्टोरेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, इतने में ऑर्डर कर देंगे, और जो 25वें नंबर पे तो उसको कोई देखता नहीं होगा, तो 25वें नंबर वाला अपने आप को पहले नंबर पे आना चाहेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उसको सेल मिलेगी, तो वो क्या करेगा, उसके बदले में हाई अमाउंट देगा। तो अपना एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए, अपने आप को प्रायोरिटी बुलाने के लिए ये इनसे एक्स्ट्रा चार्ज करते थे। उसके बाद है डिलीवरी चार्जेस। डिलीवरी चार्जेस मतलब कोई कस्टमर फूड ऑर्डर किया तो उसमें डिलीवरी चार्ज 40 रुपए हुआ, 40 रुपए में 30 रुपए वो दे देगा डिलीवरी बॉय को और 10 रुपए अपने आप रख ले, अपने पास रखेगा। तो ये भी इनके एक रेवेन्यू का सोर्स है। लॉयल्टी प्रोग्राम, लॉयल्टी प्रोग्राम का मतलब क्या है कि जोमेटो लॉन्च करता है जोमेटो गोल्ड, जोमेटो प्लस, जोमेटो सिल्वर, इन सब के कारण लॉयल्टी प्रोग्राम के कारण उसका एक रेवेन्यू जनरेट होता है। टिकट सेलिंग जैसे कोई रेस्टोरेंट या होटल, कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, तो उसकी जो टिकट सेलिंग होती है, तो टिकट सेलिंग में क्या होता है, मान लीजिए टिकट 1,000 रुपए की है तो बाय जोमेटो उसे बेचेगा तो वो 1,000 में बेचेगा तो 900 रुपए कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट को, उसके टिकट ऑनर को देगा और 100 रुपए अपने कमीशन बेस रख लेगा, एज ए कमीशन 100 रुपए रख लेगा, क्योंकि जो इनके कस्टमर बेस है वो कहीं ना कहीं जोमेटो पे बहुत ज्यादा लिस्टेड है जिससे उनको सेल मिलती है। उसके बाद जोमेटो लैंड, जोमेटो खुद का एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाता है जोमेटो लैंड के नाम से, जहां पे सारे रेस्टोरेंट अपने अपने रेसिपी के साथ आते हैं और सारे कस्टमर आते हैं, जहां पे उनको उनके रेस्टोरेंट को अपने आप को वहां पे दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए भी उनको एक लिस्टिंग चार्ज देना पड़ता है। इसके बाद है डाटा शेयरिंग। जोमेटो क्या करता है कि सारे जहां से डाटा अपने आप को कलेक्ट कर लिया, जैसे कल को मुझे दिल्ली मुखर्जी नगर में चिकन की शॉप खोल ली, अब चिकन में भैया जोमेटो से फोन करूंगा, पूछूंगा जोमेटो भैया आप मुझे ये बताइए कि कहां पे मैं चिकन की शॉप खोलूं तो जहां बेहतर होगा, तो जोमेटो क्या कहेगा, वो आपको बताएगा, पहले अपने ऑर्डर कैलकुलेट करेगा, डाटा एनालिसिस करेगा, उसके बाद बता देगा कि यहाँ पे चिकन के ऑर्डर ज्यादा आते हैं, आप यहाँ पे शॉप खोलिए, उसके हिसाब से वो अपना एप्लीकेशन बिल्डअप करके भी देता है, उसका भी चार्ज देता है। उसके बाद सेकंड, उसके बाद रेवेन्यू का सोर्स है जो हाइपर प्योर। हाइपर प्योर क्या होता है, हाइपर प्योर जोमेटो ने जल्द अभी लॉन्च किया था, जिसमें क्या कहता है कि ये रेस्टोरेंट से कहता है कि भैया आप हमारे यहाँ से, आप कस्टमर को तो हमारे सामान बेचते ही हैं, आप सामान भी हमसे लीजिए, मतलब जो रॉ मटेरियल, जो सूखी सब्जियां जैसे आलू हुआ, रिफाइंड हुआ, तेल हुआ, या जो भी चीजें हैं जो डेली बेसिस पे रेस्टोरेंट को जरूरत पड़ती है, वो सब क्या है, जोमेटो या रेस्टोरेंट से, ये B2B है, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। अभी तक लगभग कम से कम 2200 रेस्टोरेंट पे लिस्टेड है इस पे और लगभग 66,000 ऑर्डर अभी तक कर चुका है जोमेटो।
मतलब इसके थ्रू ये भी रेवेन्यू का इनका बहुत बड़ा सोर्स है जो अभी कम से कम 10-20% के रेवेन्यू में काउंट हो रहा है। अब इतना ज्यादा पैसा आ रहा है तो पैसा जा कहाँ रहा है? पैसा जा रहा है जोमेटो अपने इम्प्लॉय को सैलरी देता है। दूसरा मार्केटिंग, मार्केटिंग में आप देखते होंगे यूट्यूब पे एड देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, और इसके साथ साथ डिलीवरी बॉय को उसको चार्जेस देता है। ये इनके एक्सपेंडिचर के सोर्स है। अब देखिए बहुत मस्त चल रहा है, कंपनी के पास रेवेन्यू आ रहा है, कंपनी एक्सपेंड कर रही है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो बहुत सही बिजनेस है, ये मॉडल तो बहुत सही है कि हर जगह से रेवेन्यू आ रहा है और बिजनेस सही चल रहा है, लेकिन इतने लोग सैलरी जो बच रहा है कंपनी का पैसा, लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत समझने की कोशिश करते हैं जो यहाँ इस ये डाटा चार्ट है, इस का जो मेन फंडा है वो ये वाली है, ये चीज है। देखिए रीजन फॉर डाउनफॉल, नीचे क्यों जा रही है इनका, मैंने बताया कि इस पूरे जोमेटो का तीन पिलर है, पहला आपका है कस्टमर, दूसरा आपका है रेस्टोरेंट, तीसरा आपका है डिलीवरी बॉय। अब तीनों के लिए देखिए, पहला है प्राइस हाइक स्ट्रेटजी। जोमेटो की प्राइस हाइक स्ट्रेटजी क्या है कि अगर मान लीजिए सोया चाप जो है वो मान लीजिए 130 रुपए का किसी रेस्टोरेंट में है, तो अब जब आप जोमेटो एप्लीकेशन खोलेंगे, उसमें उस रेस्टोरेंट पे जाएंगे, उस एप्लीकेशन में देखेंगे, तो कहीं ना कहीं उसकी प्राइस आपको शो होगी 210 रुपए ऑन एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे आपको 210 रुपए शो होगी। इसके बाद इसमें जीएसटी जोड़ दीजिए, जीएसटी जोड़ दीजिए, इसमें आप डिलीवरी चार्ज जोड़ दीजिए, तो कहीं ना कहीं कस्टमर को ये 260 रुपए पड़ती है। अब कस्टमर को लगभग डबल पैसा देना पड़ रहा है, कस्टमर को डबल पैसा दे देना पड़ रहा है उसी क्वालिटी के, उसी जो वो जाके खाता तो 130 रुपए का पड़ता, अब उसको कितना पड़ रहा है? 260 रुपए। दूसरी इनकी स्ट्रेटजी क्या है कि जैसे ही कोई फेस्टिवल आता है, जैसे ही कोई फेस्टिवल आता है या इवनिंग का टाइम होता है, जब ऑर्डर की अमाउंट बढ़ने लगता है, तो ये अपना प्राइस धीरे से बढ़ा देते हैं। फेस्टिवल टाइम पे, ऑर्डर टाइम, इवनिंग टाइम पे, शाम के 4 से 6 जब टेस्टी स्पाइसी लोग खाने का मन होता है, तब ये अपने ऑर्डर की वैल्यू बढ़ा देते हैं, जिससे कस्टमर क्या करता है, कस्टमर सोचता है कि अब अपने आपको वो दोपहर में रेट देखा उसको 40 रुपए दिखा, शाम को जब उसने ऑर्डर करने गया तो वो 50 रुपए हो गया, तो कस्टमर ये सोचता है कि ये मुझे ठगा जा रहा है, अपने आपको सप्रेस महसूस करता है। उसके बाद स्टेल फूड, अब दूसरी बात तो वो चलिए ठीक है, उसने डबल पैसा दे भी दिया। उसके बाद इंडिया में जो डिलीवरी बॉय है वो आप देखेंगे कभी कभी साइकिल पे भी फूड ऑर्डर करते हैं, आप बहुत जगह पे बाइक करते हैं बट कहीं ना कहीं आपको साइकिल पे भी फूड ऑर्डर करते हुए दिख जाएंगे। अब वो ट्रैफिक में निकलते हुए जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, वो लगभग आधे घंटे बाद पहुंच रहा है, आधे घंटे में जो फूड है, फूड की जो टेस्ट है वो ठंडा हो गया, अब वो खाना ताजा मिल नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद हाई कमीशन, ये सबसे बड़ा चीज है जो कहीं ना कहीं, अब इस पे क्या है कि जब कस्टमर को खाना डबल दाम पे मिल रहा है, डबल दाम पे मिलने के बाद भी कस्टमर को खाना ठंडा मिल रहा है, तो इनका यहाँ से कस्टमर बेस था वो कहीं ना कहीं खत्म होने लगा, कस्टमर जो इनका पिलर था वो कहीं ना कहीं टूटने लगा। उसके बाद ये हाई कमीशन, रेस्टोरेंट से बहुत ज्यादा कमीशन लेते हैं, अप्रॉक्स 18-25% का ये कमीशन लेते हैं, 18-25%, और इसको भी ये इंक्रीज करने की बात कह रहे हैं कि इसको इंक्रीज करके हम इसको 22-30% कर देंगे। मतलब अगर कस्टमर, अगर 130 रुपए की जो बात मैंने बोली थी, 130 रुपए उस पे ऐप पे है 210 रुपए, इसमें डिलीवरी चार्ज प्लस जीएसटी मिला दीजिए तो कहीं ना कहीं 260 रुपए, और 130 में से जो ये इनको देगा वो कहीं ना कहीं इनको 80-85 रुपए देगा। अब 80-85 रुपए रेस्टोरेंट को मिल रहा है और 260 रुपए कस्टमर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें रेस्टोरेंट भी अपने आप को सप्रेस महसूस करता है और कस्टमर भी अपने आप को सप्रेस महसूस करता है। तो इसके बाद अब डिलीवरी बॉय सपोर्ट, डिलीवरी बॉय की कंडीशन आपने एडवर्टाइजमेंट में देखी होगी, यूट्यूब देखा होगा, आपको बहुत बढ़िया दिखती है, बट अगर आप रियलिटी में किसी जोमेटो के डिलीवरी बॉय से बात करके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इंडिया में डिलीवरी बॉय की कंडीशन क्या है। सिर्फ मजबूरी में डिलीवरी बॉय के अपने जॉब कर रहे हैं, अदरवाइज उनका खुद का कोई भी मन नहीं होता। अगर आपको न विश्वास है तो आप कभी जोमेटो से ऑर्डर करके उनके डिलीवरी बॉय से दो बातें करके देखिएगा। तीसरा इनका जो गलत डिसीजन है वो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप को फॉरेन में बैन कर दिया। जब यहां से इनका लॉस स्टार्ट हुआ तो इन्होंने सोचा कि फॉरेन की जगह हम इंडिया में अपना बिजनेस ज्यादा बढ़ा लेंगे, बट फॉरेन की अगर बात करें तो फॉरेन में पर ऑर्डर जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं $30 की है,
$30 के पर और एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 2200 रुपए। अब 2200 रुपए में इनका लगभग 30% बचत आता है, 30% बचत आता है मतलब लगभग 660 रुपए इनका बचता है। अब 660 रुपए में डिलीवरी बॉय को देना, अपने ऑर्डर को, अपने सप्लायर को, अपने अपना पूरा मैनेजमेंट करना इंसान आराम से कर सकता है। बट इंडिया में जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो कहीं ना कहीं $5 है, $5 भी यूपी बिहार की बात करेंगे तो $1 से $2 आएगी। अब $5 में इनका 376 रुपए आता है, 376 रुपए इनकी सेविंग जो है वो 20% है, 20% में पाते हैं लगभग 70 से 72 रुपए, 70 से 72 रुपए। अब 70 से 72 रुपए वहां पे 660 रुपए मिल रहा है, यहाँ पे इनको एक पर ऑर्डर 70 से 72 रुपए मिल रहा है। अब आप ये बताइए, इनको फॉरेन में बैन करना चाहिए था या इंडिया में बैन करना चाहिए था? इन्होंने फॉरेन में जहां जहां ज्यादा प्रॉफिट था यहाँ पे इनको बैन कर दिया और इंडिया में कंटिन्यू रखा। हाई कस्टमर एक्वाजिशन कास्ट, इनका हाई कस्टमर एक्वाजिशन कास्ट के कारण ये किसी भी, ये जोमेटो के लिए सबसे बड़ा जहर साबित हुआ, इनका हाई कस्टमर एक्वाजिशन कास्ट। आपने देखा होगा कि पिछले 6 से 7 महीनों पहले कहीं ना कहीं यूट्यूब वगैरह पे जब भी आप कोई वीडियो चलाने जाते थे कहीं ना कहीं जोमेटो और स्विगी का एडवर्टाइजमेंट आता था, जोमेटो स्विगी का एडवर्टाइजमेंट में क्या है, एक्वाजिशन कास्ट का मतलब क्या होता है। जैसे आपने किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए ₹1000 खर्च किया और आपके पास टोटल 100 कस्टमर आ गए, 100 क्रैक्स आ गए, 100 कस्टमर आ गए, तो आपको पर कस्टमर कितना पड़ा, 10 रुपए। ये आपका आती है कस्टमर एक्वाजिशन कास्ट। और किसी भी आईटी सेक्टर जो कि ऑनलाइन बिजनेस चलता है उसके कस्टमर बेस के लिए इंडिया के अंदर जो होती है वो 8 से 10 रुपए एक नॉर्मल कस्टमर एक्वाजिशन कास्ट मानी जाती है। बट कहीं ना कहीं जोमेटो के केस में ये 84 रुपीज हो गया, मतलब इन्होंने जितना डिस्काउंट ऑफर कैशबैक कूपन YouTube पे एड जितना चलाया उसके कंपैरिजन में पर कस्टमर को उनके ऐप पे आने पे सिर्फ 84 रुपए लग गए, जिससे उनका बिजनेस बहुत ही ज्यादा डाउन। इनका अगला डिसीजन क्या था, इन्होंने ब्लिंकिट को इंक्वायर किया। अब ब्लिंकिट क्या है, ब्लिंकिट के बारे में आप जानते होंगे, इसके पहले ये ब्लिंकिट ग्रोफर्स के नाम से चलती थी, इसकी हिस्ट्री जानते हैं, ये ग्रोफर्स के नाम से चलती थी, ग्रोफर्स के नाम से चलती थी। तो कहीं ना कहीं जोमेटो ने सोचा कि अगर फूड इंडस्ट्री में हम खराब हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ग्रोसरी के सामान में जाते हैं, तो इन्होंने 4447 करोड़ का इनसे बिजनेस डील किया और 4447 करोड़ ब्लिंकिट को ले लिया। अब ब्लिंकिट ग्रोसरी तो डिलीवर करती है बट अब ब्लिंकिट के कंपटीटर बहुत है, जो ब्लिंकिट का एवरेज ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं 509 रुपए पर ऑर्डर वैल्यू है और जोमेटो का वहां 290 रुपए पर ऑर्डर है। लेकिन ब्लिंकिट के सामने समस्या क्या है, कहीं ना कहीं एक डेंजो जो रिलायंस चलाती है ये भी एक ग्रोसरी रिलेटेड कंपनी है, एक बड़े मार्केट है, इन्होंने क्या रिलायंस एक डेंजो चलाती है, इसके बाद कहीं ना कहीं आप एक देखे होंगे स्विगी का चलाती है, स्विगी मेरी, इसके बारे में आगे बताएंगे। मतलब कहीं ना कहीं एक जेप्टो चलती है, मतलब ग्रोसरी डिलीवर, जियो मार्ट आने वाला है, मतलब अब ग्रोसरी के मार्केट में बहुत बड़े बड़े कंपटीटर आने वाले हैं। तो अब इनको ग्रोसरी में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत होगी, अगर खुद ही लॉस में चल रही है, दूसरा ये फिर और ऐसी कंपनी एक्वायर कर ली जहां और भी ज्यादा पैसे की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि डिसीजन कहीं ना कहीं ब्लिंकिट जोमेटो का गलत पड़ रहा है, जिसके कारण ये कहीं ना कहीं लॉस में जा रही है। अगला डिसीजन क्या है इन्होंने लिया, एक परफेक्ट कंपटीशन डाउनफॉल का अगला रीजन क्या है, एक परफेक्ट कंपटीटर मौजूद है। परफेक्ट कंपटीटर है कौन जोमेटो का, आप सब जानते होंगे स्विगी। स्विगी का अगर हिस्ट्री जान ले, स्विगी क्या है, श्रियास मजेती ने इनको 2014 में लॉन्च किया था, स्टेबलाइज हुई थी, 300 सिटी इंडिया में है, 4.4 रेटिंग है, जबकि जोमेटो की रेटिंग क्या है, 4.1 है प्ले स्टोर पे। और इसका डाटा कभी हैक नहीं हुआ, डाटा हैक नहीं हुआ, जोमेटो का डाटा 2 बार हैक हो चुका है। तो अब देखिए होता क्या है कि जो कस्टमर बेस है, कस्टमर इंडिया का कस्टमर ये चाहता है कि मुझे कम से कम दाम में अच्छी से अच्छी चीजें चल जाए। पहले वो जोमेटो खोलता है, वहां देखता है कि मोमोज जो है 50 रुपए के, फिर वो स्विगी खोलता है, स्विगी पे देखता है 48 रुपए का है, फिर वो तो जाके स्विगी पे ऑर्डर करता है। तो मतलब कहीं ना कहीं कस्टमर इतना चलाक हो चुका है कि उसे जहां कम मिलेगा वो वहीं पे जाएगा। और इन्होंने पहले जोमेटो गोल्ड जोमेटो नाम से लॉन्च कर दिया, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ये सोचते थे कि अब वो यही
मास कर देगा, अब वो मास करता नहीं। एक डाटा के अनुसार 13% लोग ऐसे हैं जो जोमेटो और स्विगी दोनों से कंटिन्यू ऑर्डर करते हैं, मतलब ये 13% ऐसे लोग हैं जो ये देखते हैं कि कहाँ पे कम है वो वहीं से ऑर्डर कर देते हैं, वो दोनों चीज देख के चलते हैं। तो ये परफेक्ट कंपटीशन, अब एक दूसरे को का मार्केट बेस बिगाड़ने के चक्कर में ये ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट ऑफर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कूपन ऑफर करते हैं, जो कहीं ना कहीं दोनों के लिए लॉस मेकिंग है। स्विगी भी अभी कहीं ना कहीं लॉस में चल रही है, ठीक है, स्विगी ने बट अपने लॉस से बचने के लिए कहीं ना कहीं लॉन्च किया है सुपर डेली फॉर स्विगी। जैसे आपने ग्रोसरी ब्लिंकिट का देखा, डेंजो देखा, उसी तरह सुपर डेरी है, उसके बाद स्विगी वन, जैसे जोमेटो प्लस जोमेटो गोल्ड है उसी तरह स्विगी का स्विगी वन है। आपने स्विगी जिन के बारे में सुना होगा, ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट लाया है। जैसे अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस जाते समय आप अपना वॉलेट भूल गए, तो वॉलेट भूल गए तो आप क्या करते थे, आपको फिर घर पे जाना रहता था, घर से किसी से कहते थे, अब आप क्या करेंगे, स्विगी जेनी पे आप जिन 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 का नाम सुना, स्विगी जिन को आप बताएंगे, जिन मैं अपना वॉलेट घर भूल गया हूं लेते आओ, तो वहां जिन आप ऑर्डर करेंगे घर पे वो जाएगा, घर से वॉलेट लेगा और घर पे वापस लाके आपको ऑफिस में दे देगा। अपना लंच बॉक्स भूल गए आप जिन पे ऑर्डर कर लिए, मतलब लो एक शहर के अंदर जो लोकल ट्रांसपोर्ट लोकल कोरियर सेवा, एक लोकल कोरियर शुरू करने वाला है स्विगी जिन। उसके बाद कहीं ना कहीं एक स्विगी मार्ट, स्विगी इंस्टा मार्ट आपने आईपीएल के एड में देखा होगा, आईपीएल के एड में देखा होगा कहीं ना कहीं स्विगी इंस्टा मार्ट की, क्योंकि इनको मालूम है कि 80% सेल कहीं ना कहीं से यहीं से आती है, 80% सेल इनकी यहीं से आती है। तो ग्रोसरी के सेक्टर में अब ये फूड इंडस्ट्री जोमेटो स्विगी फूड इंडस्ट्री पे हल्का हल्का स्विच करके ये ग्रोसरी की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। देखिए इसका मेन सोल्यूशन क्या है, अब सोल्यूशन ओरिएंटेड बातें करते हैं। कहीं ना कहीं इन दोनों कंपनियों का आपस में कंपटीशन होने के कारण बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। अगर जोमेटो स्विगी को एक्वायर कर ले या स्विगी जोमेटो को एक्वायर कर ले तो इनका कंपटीशन कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम से सॉल्व हो सकते हैं। दूसरा क्या है कि जब ये रेस्टोरेंट से ज्यादा लिस्टअप चार्ज करते हैं, लेकिन जब वो स्विगी अगर जोमेटो को एक्वायर कर लिया, अगर एक ही कंपनी बनेगी तो ये कस्टमर के लिए नुकसानदायक होगी, तो इनकी मोनोपोली आ जाएगी तो रेट और बढ़ जाएंगे। फिर दूसरा क्या था, रेस्टोरेंट क्या करते हैं, रेस्टोरेंट से जैसे 18-20% लिया जा रहा, फिर 22-30% लिया जा रहा, अब उसके साथ केस क्या है कि वो मरता ना तो क्या करता, क्योंकि उनकी 80% सेल जो है वो बाई जोमेटो आ रही है। अगर उन्होंने जोमेटो से अपना लिस्टअप अपना रिश्ता खराब कर लिया तो 20% सेल में तो अपने कर्मचारियों को पैसा ही नहीं दे पाएंगे, अपने रेस्टोरेंट के अंदर काम करते उन्हीं को नहीं पैसा दे पाएंगे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि रेस्टोरेंट का जो ऑर्डर जाता है जोमेटो के थ्रू, वो मुश्किल से मुश्किल 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर के अंदर में जाता है, तो अपनी थोड़ी सी जितना कमीशन उनको दे रहा है उससे बढ़िया वो अपनी थोड़ी सी मार्केटिंग अपने लोकल मार्केट में कर ले और 2-4 डिलीवरी बॉय खुद के रख ले, जिससे वो अपने आप को पहुंचा सके ऑनलाइन में और जोमेटो पे थोड़ी सी डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई सोल्यूशन लगता है तो कमेंट बॉक्स में पिन करिए। इसका जो नेक्स्ट केस स्टडी होगा वो कहीं ना कहीं ये फेल जो लॉस में जा रहे हैं उस पे किया, बट इसके अलावा कुछ स्टार्टअप और भी हैं जो प्लस में जा रहे हैं, जो फायदे में जा रहे हैं, जैसे लेंस कार्ड के बारे में आपने सुना होगा, जैसे ममाज अर्थ के बारे में सुना होगा। अब ये क्या है, ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट मेकिंग है। तो नेक्स्ट हम जो केस स्टडी करेंगे किसी कंपनी के बारे में वो इस जैसी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी पे करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो आपको उसको सोल्यूशन दिखता है प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम उसको जरूर से आगे रिव्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।